हस्व और राज्य के नगर पंचायत में रोजगार गारंटी योजना के काम शुरू करने की मांग को लेकर भंडारा जिले के लाखांदूर में महाराष्ट्र युवक किसान संगठन की ओर से हजारों किसान तथा मजदूरों का मोर्चा निकाला गया। महाराष्ट्र युवा किसान संगठन के संस्थापक अध्यक्ष प्रियंका बोरकर के नेतृत्व में निकाला यह मोर्चा। बाजार समिति शुरू होकर तहसील कार्यालय पहुंचा। तहसीलदार को निवेदन देने के बाद स्थानीय बस स्टैंड के सामने विविध मांगों को लेकर आमदन अनशन शुरू कर दिया। राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल, सांसद मधुकर कुकड़े ने भी अनशनकारियों को भेंट कर निवेदन स्वीकार किया। महाराष्ट्र युवक किसान संगठन लाखांदूर की ओर से किसानों की और किसान मजदूरों की विविध मांगों को लेकर यहाँ बहुत बड़ा मोर्चा निकाला गया। हजारों की तादाद में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्शाई। खास करके अन्ना हजारे अनशन करके किसानों की और खास करके आम आदमी की जो दिशा भूल कर रहे बार बार उपोषण करके किसानों के बारे में या फिर लोकपाल बिल के बारे में उनके अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। इस विरोध में भी इस मोर्चे के अंदर प्रमुखता से मांग की गई है। आइए हम खास करके जो क्या मांगी थी और क्या चर्चा मतलब मोर्चे की तरफ से क्या मांग की गई इसके बारे में महाराष्ट्र युवक किसान संगठन के संस्थापक अध्यक्ष प्रियंका बोरकर जी हमारे साथ में, आइए हम उनसे बात करते हैं। गजानन दोनाडकर लाखांदूर सामाजिक कार्यकर्ता बोलतो। मला हे म्हणायचं आहे की पहिल्यांदा ग्रामपंचायत होती, ग्रामपंचायतचं विलीकरण नगरपंचायत झाली। नगरपंचायत झाल्यामुळे येथील महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेचे कामं जे मिळत होते ते कामं बंद झाले आहे आणि ते कामं बंद झाल्यामुळे आपल्या मजूर लोकांवर, शेतकरी शेतमजुरावर उपासमारीची पाळी आलेली आहे। तरी माझं असं म्हणणं आहे की नगर जेवढ्या नगरपंचायत झाले असतील तेवढ्या नगरपंचायतला महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना ही लागू करावी आणि तिथल्या मजुरांना न्याय द्यावा असं माझं म्हणणं आहे।